हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बात करेगा Fineable.com साइट के बारे में। यहाँ पे आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर लेगा, कमीशन तो ज़्यादा नहीं कट लेगा, आपके बैंक अकाउंट से ज़्यादा रुपया तो नहीं कट लेगा, सब कुछ आपका भाई बात करेगा। लोन लेने से पहले आप क्या कर सकते हो, पहले रिव्यू चेक करो। जिस भी साइट से, जिस भी ऐप से, जिस भी कंपनी से आप लोन लेना चाहते हो, उसका रिव्यू चेक करो कि वो सही है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आपको लोन तो ईजी वे में मिल जाता है, लेकिन बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है। आप 1000 रुपया के लोन लेते हो तो आपको 3000 चुकाना पड़ता है बिना मतलब का। तो इससे पहले, आप लोन लेने से पहले, सबसे पहले आप रिव्यू चेक जरूर करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और चलिए आपको बताते हैं Fineable.com साइट के बारे में, ये साइट रियल है या फेक है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, टू बिल्ड माई टूमेरो आई ट्रस्ट माई हार्डवर्क, तो ये साइट देखने में ही प्रोफेशनल साइट लग रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा से साइट डिजाइन किया गया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हैप्पीनेस रेटिंग जो दिया गया है 5 में से 4.5 है और ये पूरे देश में फैला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पिंक कलर का शो हो रहा है कि पूरे देश में, इंडिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हो, ट्रस्टेड बाय आवर कस्टमर, कस्टमर का रिव्यू भी दिया गया हुआ है। और इसका जो एप्स है वो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो चलते हैं प्ले स्टोर पर, क्लिक करते हैं यहाँ पे और चलते हैं इसके साइट पे। ये जो एप्स डाउनलोड किया गया हुआ है, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और 7000 लोगों से ज़्यादा यहाँ पे रिव्यू दिया है और 5 में से 4.4 रिव्यू है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 5 रेटिंग इसका दिया गया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ऊपर का जो कमेंट है वो पढ़ते हो आप, तो रिव्यू देखते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। सब लोग खुश है, मतलब सब लोग खुश है और रेटिंग अच्छा है। तो इसका जो साइट है, ये एक रियल साइट है और आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हो। ओके, बाकी आप टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हो इसके साइट पर, उसके बाद ही लोन लेना। ओके, और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो।